दोस्तों, जिंदगी में उतार चढ़ाव कई बार आता है, लेकिन हमें हार कभी नहीं मानना चाहिए। मुकाम उन्हीं को मिला है जिन्होंने संघर्ष किया और हार कभी नहीं माना। दोस्तों, आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। दोस्तों, जब तक आप खुद से हार नहीं मानते, यकीन मानिए आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। इसी तरह आज हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जानने जा रहे हैं जिसने इतिहास पढ़ा नहीं था, इतिहास बनाया था। उस व्यक्ति का नाम है कैरोली टेकस, जो एक हंगेरी की आर्मी में काम करते थे। वो एक बहुत ही बेहतरीन पिस्टल शूटर थे। कहानी हमें 1938 की ओर ले जाता है, जब हंगेरी में नेशनल चैंपियनशिप हो रहा था। तब कैरोली ने बहुत ही शानदार से अपना मेहनत और लगन से उस चैंपियनशिप को जीता था। सारे हंगेरियन लोगों को कैरोली के मेहनत को देखकर उन्हें पूरे विश्वास था कि जो 1940 में ओलंपिक होने वाला था वो कैरोली ही जीतेगा, कैरोली ही देश के लिए गोल्ड मेडल लाएगा। पर होने को कुछ और मंजूर था। 1938 के नेशनल चैंपियनशिप के बाद एक दिन आर्मी ट्रेनिंग कैंप में ट्रेनिंग के दौरान कैरोली के दाया हाथ यानी कि राइट हैंड में एक हैंड ग्रेनेड फट जाता है, जिसका वजह से उनका दाया हाथ उनको खोना पड़ा। जिस हाथ को उन्होंने बचपन से ट्रेन कर रखा था, जिसको लेकर वो दुनिया के सबसे बेस्ट पिस्टल शूटर बनना चाहते थे, वो सब खत्म हो चुका था। उनके प्रति लोगों का भी विश्वास अब नहीं रहा। बट कहते हैं ना कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। उन्होंने लोगों को बातों को ध्यान में रखते हुए कैरोली ने समझा कि अगर मुझे कोई बदल सकता है तो वो मैं खुद हूँ। तो कैरोली ने अपना पास जो था यानी कि लेफ्ट हैंड, उससे प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। और 1939 में हंगरी में नेशनल चैंपियनशिप हुआ था, उसने वहाँ गया, पार्टिसिपेट किया और कैरोली ने वहाँ जीता। सारा दुनिया देखते रह गई। किसी को पता नहीं था कि उन्होंने अपने बायां हाथ को सारे से ट्रेन कर रखा था। और अब कैरोली ने अपना सारा जो फोकस था वो 1940 के ओलंपिक में डाला जो होने जा रहा था। लेकिन जो ओलंपिक होने वाले थे 1940 में, वो कैंसिल हो गए कोल्ड वॉर की वजह से। लेकिन वो फिर भी नहीं रुके। अब कैरोली ने अपना सारा फोकस 1944 में जो ओलंपिक होने वाले थे वहाँ डाल दिया। लेकिन इस बार भी किस्मत में कैरोली का साथ नहीं था, क्योंकि 1944 में जो ओलंपिक होने वाले थे वो भी कैंसिल हो गए कोल्ड वॉर की वजह से। फिर भी कैरोली ने अपना हिम्मत नहीं हारा और इस बार उन्होंने अपना सारा फोकस 1948 के होने वाले ओलंपिक में डाल दिया। और उनका उम्र भी बढ़ता चला जा रहा था। जो नए नए यंग प्लेयर्स आए हुए थे उनसे कम्पीट करना बहुत मुश्किल होता चला जा रहा था। पर ये मुश्किल वर्ड उनका डिक्शनरी में नहीं था। उन्होंने जाके कम्पीट किया और उस ओलंपिक में जीत हासिल की, यानी कि अपना सपना भी पूरा किया। और चार साल बाद 1952 में भी जो ओलंपिक हुआ था उसमें भी कैरोली ने जीता और गोल्ड मेडल हासिल किया, यानी कि पूरी की पूरी इतिहास को बदल कर रख दिया। इस पर्टिकुलर मैच में उनसे पहले किसी भी प्लेयर ने लगातार दो बार गोल्ड मेडल नहीं जीता था। दोस्तों, कहते हैं ना कि भरोसा ईश्वर पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे, मगर भरोसा खुद पर हो तो ईश्वर वही लिखेगा जो आप चाहोगे। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ ज़रूर लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना।